राइट हमारा है, उस राइट और अधिकार के साथ न्याय दिलाने के लिए बिहार पुलिस वहां जाती है। सरकार के सेवक है, सत्य निष्ठा के साथ जिस दिन सेवा में आते हैं हम लोग शपथ लेते हैं कि सत्य निष्ठा के साथ कानून की रक्षा, जनता की सुरक्षा करेंगे। कि अगर सुई भी अगर किसी जंगल झाड़ी में गिरेगा तो बिहार पुलिस भी इतनी क्षमता है सुई को खोद दिया जाएगा। और लगता है कि काम करने में योग्य नहीं, दक्ष नहीं, उस पर आरोप कुछ लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं और आरोप की पुष्टि अगर होती है तो आप उसे हटा दें। तो सत्य के साथ ही चलना है, सत्य के राह पर ही चलना है तो सफलता मिलेगी। सत्यवादी या सही भी रहिएगा तो आपका उसका छींटा पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। किसी भी राज्य के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, पहला सत्ता चलाने वाले, दूसरा प्रशासन। आज जिस शख्सियत के साथ हैं उन्होंने पिछले 1.5 दशकों से प्रशासन शासन में एक कोऑर्डिनेशन रखा है, साथ में उन्होंने अपने एसोसिएशन के माध्यम से बिहार के कोने कोने में इंस्पेक्टर और दरोगा को मिला के रखा है। तो चलिए मिलाते हैं हमारे बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह जी से, जो कि 2015 में वीरता पुरस्कार से सम्मानित हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में दिया जाता है। और आज बहुत सारी बातें उनसे करेंगे और जानेंगे कैसे आप अपने पुलिस कर्मियों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और बहुत सारे विषय हैं जिन पर ये चर्चा आज जारी है। तो स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भारत लाइव में। नमस्कार। आप बहुत 1.5 दशकों से मैंने देखा है कि आप बिहार पुलिस एसोसिएशन में बहुत ही सशक्त भूमिका में नजर आते हैं, निर्भीक होकर आप अपने पुलिस कर्मियों के लिए आवाज उठाते हैं और आज तक आप पे कोई दाग भी नहीं लगा है, तो ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप जिस संगठन में, जिस विभाग में हैं, वहाँ सत्य निष्ठा के साथ अपनी अगर सेवा कर रहे हैं और लोगों की हर परेशानी को उसके सुख दुख के साथ ही बनते हैं, तो आपको एक ताकत मिलती है, और ताकत मिलती है, उस ताकत ही एक आवाज़ होती है। और हमने यही जीवन में धरना बनाया, विभाग में या कहीं भी हैं, कि सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो, न बोलो सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई जाए रूठ। मतलब आपको जीवन के हर पग पर सफलता की शिखर पर अगर जाना है तो सत्य के साथ ही चलना है, सत्य के राह पर ही चलना है तो सफलता मिलेगी। हम अपने इतिहास के पन्ने पलटते हैं, अपने धर्म ग्रंथ के पन्ने पलटते हैं, तो हमें शिक्षाएं मिलती है, ये शिक्षाएं सबको लेनी चाहिए। जब हम बातें करते हैं तीर्थ में, तो भगवान राम की बातें में सत्य के साथ ही, मतलब कि वो चले सत्य के मार्ग पर चल के, और एक संदेश दिए हैं कि सत्य की सदैव जीत होती है। हम द्वापर में जाते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसमें हमने मिलता है कि सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को लोग दबाने की कोशिश करेगा लेकिन दबेगा नहीं। पांडव और दुर्योधन में सत्य के साथ पांडव थे, और सत्य के साथ पांडव थे तो अंततः पांडव की जीत होती है। और सबसे आश्चर्य का चीज़ है कि धर्म के साथ भी कुछ सत्यवादी थे, जो द्रोणाचार्य जी थे, भीष्म पितामह वगैरह थे, लेकिन एक निकलता है कि अगर अधर्म के साथ अगर सत्यवादी या सही भी रहिएगा तो आपका उसका छींटा पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। और सत्य के साथ जैसा भी कोई रहेगा उसकी जीत होती है। इतिहास के पन्ने भी बाद में भी हम पलटते हैं, कई ऐसे मिलते हैं हमारे महाराणा प्रताप से लेके देश की आज़ादी के लिए, कई ऐसे योद्धाओं हो जो सत्य के मार्ग पर चले, और इतिहास के पन्ने में आज दर्ज है। क्योंकि मैं कभी भी सोचता हूँ कि भीड़ के हिस्सा नहीं बनना है। हमारे इतिहास में लाखों लोग हमारे देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए हैं, लेकिन जो नेतृत्वकर्ता होता था, जो नेतृत्व किया, जो डंडा खाया, गोली खाया, आज इतिहास के पन्ने में जिंदा है, हम लोग उसका नाम लेते हैं। ये मेरे सिद्धांत में, उसी सिद्धांत पर हम चलते हैं। बिल्कुल, आपका जो सिद्धांत है वो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। लेकिन यहाँ एक बात आती है मृत्युंजय जी, कि आप पिछले तीसरा टर्म है आपका अध्यक्ष के रूप में, तो कितना ये होता है कि सत्ता पक्ष से भी प्रेशर होते हैं, बहुत सारे नियम कायदे निकलते हैं। हाल में हमने देखा है कि एक लेटर जारी हुआ होता है पुलिस विभाग के द्वारा कि 50 साल से जो बड़े पुलिसकर्मी हैं उनको हटाया जाए, उनको जबरन रिटायर किया जाए। ये चीज़ें जो सामने आई थी, इसके बाद आपने क्या किया ये हमें बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सेवा में आता है, या आप भी किसी संस्था में, व्यापार में, बिजनेस में, और आने के साथ वो वहाँ प्रारंभिक जब दौर होता है तो कठिन मेहनत करता है, वहाँ सीखता है, और कठिन मेहनत और सीखने के साथ ही वो उसको आगे बढ़ता है, उसका अनुभव, ज्ञान,
हर क्षेत्र में जिसमें है, उसी तरह पुलिस विभाग में जो प्रारंभ में आया उसकी नया नया प्रारंभिक जो थी तो उसने सीखा, खून पसीना बहाया और खून पसीना बहा के जिस स्टेज 50 में आता है एक बहुत अनुभव उसके पास हो जाता है। अगर आप मीडिया में लंबे समय तक काम कीजिएगा तो आपके पास एक बहुत बड़ा अनुभव आ जाएगा, उसी तरह उसमें अनुभव आ जाता है। जो 50 के दहलीज में आता है और 50 के दहलीज पाने के साथ ही इंसान की लायबिलिटी भी आ जाती है। इंसान कोई भी 50 की उम्र में होता है तो उसकी पारिवारिक जिम्मेवारी बढ़ जाती है, बच्चे के पढ़ाई के अंतिम चरण रहता है, इसके साथ ही बच्चे बाल बच्चे की शादी की भी आगे होती है। उस समय किसी की घर गृहस्थी अगर नया घर खरीदना है उस उम्र में चाहता है कि अब आओ और 10 साल नौकरी मेरा है क्योंकि 60 रिटायरमेंट का है तो खरीदना है, कई लायबिलिटी आ जाती है। उस लायबिलिटी के साथ ही उसके पास अनुभव होती है और उसको आप कहा जाए कि आपको सेवानिवृत्ति जबरदस्ती दे दिया जाएगा तो ये गलत है। मैं कहता हूँ कि अगर 50 की उम्र क्या है, अगर कोई सरकारी संस्था में प्रारंभ में ही आता है और लगता है कि काम करने में योग्य नहीं, दक्ष नहीं, उस पर आरोप कुछ लगते हैं, गंभीर आरोप लगते हैं और आरोप की पुष्टि अगर होती है तो आप उसे हटा दें। 50 की बंधन क्यों, कभी भी हटाया जाता है। बिहार पुलिस में हर साल 5-10 पुलिसकर्मी बर्खास्त होते हैं, तो अगर बर्खास्त होते हैं तो फिर ये नियम कानून कायदे बांधने क्या है, ये बांधने का मतलब क्या है कि नीचे के कनीय पुलिस पदाधिकारियों का, वरीय पदाधिकारियों का धौस जो होता है, प्रभाव जो होता है वो प्रभाव ध्वस्त बना रहे और प्रभाव ध्वस्त के पीछे उनका शोषण भी हो सकता है। शोषण के कहने का से कुछ बहुत सारे चीज़ है, कोई डिमांड कर दे कि ये चीज़ हमारी आवश्यकताएं है आप देखिए, तो अगर नहीं पूर्ति होती कहे कि आप काम करने में दक्ष नहीं है, उनको हटाने के लिए लिखा दिया जाए, तो ये गलत है। काम की पारदर्शिता होनी चाहिए, उसकी काम की समीक्षा होनी चाहिए और काम की समीक्षा अगर में सही है वैसे कर्मी को हटाना बेमानी है और ये कर सकते हैं। जो आदेश है ये आदेश गलत था, हमने विरोध किया। बिल्कुल, तो ये सरकार द्वारा जो तनाशाही रवैया रहा है हाल के दिनों में देखा भी जा रहा है कि आपका एसोसिएशन सरकार के हमेशा विरोध में खड़ा रहता इन चीज़ों को लेकर। कुछ आप देखेंगे, 2 दिन पहले एक घटना घटी है कि एक दरोगा को कुछ अपशब्द कहा गया है, मारपीट हुआ है, तो ये चीज़ें तो बाहर आ रही हैं जो आप जो कहना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों से कैसे आप सामंजस्य बना के एक सही रास्ता निकालते हैं? देखिए, सरकार के हम लोग विरोधी नहीं, सरकार के हम लोग आदमी होते हैं, सरकार के सेवक है, सत्य निष्ठा के साथ जिस दिन सेवा में आते हैं हम लोग शपथ लेते हैं कि सत्य निष्ठा के साथ कानून की रक्षा, जनता की सुरक्षा करेंगे, सभी लोग उससे बंधे रहते हैं, करते हैं। और हमें लगता है कि हमारे सदस्यों के हित के लिए सरकार की ये काम नहीं कर रही है तो हमारा कर्तव्य है उसको सदस्यों की आवाज़ को उठाना, सरकार के पास पहुँचाना। और साथ ही सरकार जो अच्छा काम करती है प्रशंसा भी करते हैं, यहाँ पक्ष पक्ष की बात नहीं, अपनी अपने जो हमारे बिहार के लोग हमें अपने अध्यक्ष बनाए हैं, चुनाव में हम प्रत्याशी बने, लोगों का अपार समर्थन मिला और मोहम्मद से हमें जिताए हैं, तो हमारा कर्तव्य धर्म है कि उनकी आवाज़ बने, आवाज़ बनते हैं। साथ ही में पुलिसकर्मियों की जो समस्याएँ होती है, आपसी तालमेल जो आपने बोला 2 दिन में, उसको हमने एक पत्र भी जारी किया। हमने बोले कि एक पुलिस एक परिवार का हिस्सा है, हम लोग एक थाने में कहीं पुलिसकर्मी हैं, अगर 20 लोग हैं तो एक परिवार का है, एक परिवार का मुखिया होता है, बाकी उससे अधीनस्थ बहुत सारे पुलिसकर्मी होते हैं, उसमें तालमेल सामंजस्य बहुत जरूरी है क्योंकि हमें कई चुनौतियों का अपने थाना क्षेत्र में सामना करना है। तो उसलिए अगर कोई मामला अगर वरीय थाना का अधिकारी है अपने कनिये के साथ बेहतर व्यवहार नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर अपराध नियंत्रण में प्रभावित होगा और अपराध नियंत्रण प्रभावित होगा तो इसकी जवाबदेही पुलिस मुख्यालय सरकार सभी की बनती है क्योंकि हम लोग जनता के बंदे हैं। हमारा पुलिस विभाग किस लिए है, जनता के, क्योंकि जनता से बढ़ के कुछ नहीं है, जनता के लिए सरकार भी है, जनता के लिए पुलिस है, जनता के लिए सारी सिस्टमें हैं, इसलिए जनता की जो समस्या है उच्च प्राथमिकता में हम लोग देते हैं। और उच्च प्राथमिकता की पूर्ति कब होगी, जब आपसी तालमेल आपसी संबंध होगा, सब मिल के कदम से कदम चलेंगे। अगर थाने में कोई समस्याएं आती है तो थाना के अधिकारी का कर्तव्य है कि बैठ के उसको सुलझा दे, उसको मीडिया में सोशल मीडिया पर आने की जरूरत नहीं है, उससे विभाग की बदनामी होती है, विभाग की छवि खराब होती है, तो इसको हमें बचाए रखने की जरूरत है, इसलिए मैंने सभी को एक पत्र लिखा और संदेश दिया। 2 सवाल इससे मृत्युंजय जी रिलेट करता है। पहला सवाल है कि आप अध्यक्ष हैं और बिहार पुलिस पहले से तो बेहतर हुई है और आपने प्रयास किया है, लेकिन बहुत सारे इलाके में अपना थाना नहीं है, उनको रहने का कुछ जगह नहीं है, पानी पीने तक की समस्या है, टॉयलेट की समस्या है। पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप पूरा बिहार देखते हैं, आपके अंदर ढेर सारे इंस्पेक्टर दरोगा हैं, कुछ के कारण, जैसे शराबबंदी हमारे यहाँ पे है, कुछ के कारण छवि खराब चली जाती है, तो 2 सवाल है आपके। देखिए, पहला है कि थाने में हर व्यवस्थाएं वगैरह रहने के सुबह, इसकी मांग हम लोग सदैव उठाते हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि हर थाने, सरकारी भवन हर सुविधाओं से युक्त होना चाहिए क्योंकि पुलिस विभाग
सरकार का साथ कानून के साथ लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर पुलिस विभाग को दरकिनार कर दिया जाए तो कोई सिस्टम विभाग नहीं चलेगा, ना लोकतंत्र बचेगा, ना कानून बचेगा और ना कोई विभाग चलेगा। उस विभाग के लिए थाने की बेहतर बिल्डिंग हो, थाने में बेहतर के साथ उसका जो वर्तमान स्ट्रेंथ है, पुलिसकर्मी अधिकारी हैं, अधिकारी के रहने के लिए आवासीय सुविधा हो, परिवार के साथ रह सके, और भी जवान हैं उनकी रहने चाहिए, मरखाना, कैदी वगैरह, बाथरूम, महिला आरक्षी की महिला पदाधिकारी होती है उनके लिए अलग व्यवस्थाएँ होना चाहिए। तो ये सब करना चाहिए, हो रहा है, जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा पहले, क्योंकि इस मामले में बिहार पिछड़ा था। इधर वर्तमान सरकार में कर सकता हूं मैं, सरकार हमारे लिए सभी एक इक्वल है, लेकिन वर्तमान सरकार इस दिशा में और भारत सरकार भी इस दिशा में कारगर कदम उठा के पैसे की मतलब बंदोबस्त हुआ है, उस पर काम हो रहा है, थाने बंद रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि और भी इसमें समीक्षा करके क्या इसको थाने बनने के बाद ऐड करने की जरूरत है, पुलिसकर्मी के संख्या के हिसाब से आवासीय सुविधाएं हैं कि नहीं, रहने की सुविधाएं की हैं कि नहीं, उनके बाथरूम, उसके किचन वगैरह की है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें समीक्षा करके और उसमें ऐड करने की जरूरत है। दूसरा आपका प्रश्न था कि दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि बिहार में शराबबंदी का हाँ। लेकिन अब बहुत सारे चीजें आती हैं कि पुलिसकर्मी भी मिले रहते हैं, और इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, बता रहे हैं आप, आज के डेट में किसी गांव की बात उठा लेते हैं तो गांव में बहुत लोग अच्छे व्यक्ति होते हैं, हर कोई, लेकिन अपवाद देखिए किसी गाँव में एक दो चोर भी हो जाते हैं। अब एक दो चोर हो गए हैं तो पूरा गाँव चोर तो हो गया नहीं गया, तो आप बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने, फल खरीदने, हम भी जाते हैं, अब टोकरी में है रखा हुआ तो बहुत, या किसी सामान के रखा गया है उसमें कुछ खराब हो, अगर खराबी आ गई है तो उस खराबी से हम उसको इनकार नहीं कर सकते हैं कि सारे के सारे उसका हो जाए। हाँ, सारे प्रभावित होते हैं, क्योंकि अगर टोकरी में दो चार अगर सड़े हुए फल हो तो पूरी टोकरी को प्रभावित करते हैं। उसी तरह विभाग में ऐसे कोई हैं जो गलत शराबबंदी वगैरह, सरकार का उच्च प्राथमिकता है, अगर उसमें संलिप्तता उनकी है तो पकड़े जाते हैं, डिसमिस भी होते हैं। हम निश्चित कहते हैं कि सरकार की नीति जो होती है हम उच्च प्राथमिकता में उसे कार्य करना है, बेहतर करना है, और जनता के बीच समय कभी कोई देखे हमारी कार्य इतना पारदर्शी रहे कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, बोले कि नहीं हमारी पुलिस जो है वो बिहार की पुलिस वो देश की श्रेष्ठ पुलिस है, बेहतर पुलिस है, क्योंकि रिजल्ट मेरा बहुत बेहतर होता है। आप तुलनात्मक देखिएगा जो बिहार की पुलिस है और जितनी सुख सुविधाएँ इनकी, जितनी इनकी साथ ही आज के डेट में सरकार के द्वारा व्यवस्थाएँ दी गई है, और आप मैं बेबाकी से कहना चाहता हूं किसी विदेश के विकसित कंट्री, क्योंकि बिहार और भारत विकासशील है, अब बिहार तो थोड़ा सा और भी पीछा है अगर राज्यों की बात किया जाए, क्योंकि हम लोग मांग भी करते हैं विशेष राज्य का दर्जा का, तो तुलना अगर किया जाए तो अमेरिका से किया जाए तो जितनी उनके पास साधन संसाधन है और हमारे पास उतना दे दिया जाए तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर सुई भी अगर किसी जंगल झाड़ी में गिरेगा तो बिहार पुलिस में इतनी क्षमता है सुई को खोद दिया जाएगा, और अमेरिका के पुलिस को अगर बिहार की जैसे सुविधाएं मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो वहां पर सीरिया बन सकता है और हमारे यहाँ ऐसा बन अमन चैन शांति हो जाएगा कि सरजू जैसा हो जाएगा, जिसकी कल्पना की हमारी क्षमतावान क्षमता हमें ज्यादा है। इसी से सवाल है, आप क्षमता की बात करते हैं और क्षमता पे किसी को शक नहीं, लेकिन ये क्षमता निखर के हर जगह क्यों नहीं आती? क्योंकि अभी हाल की घटना में डकैती या बहुत सारी चीजें बढ़ी हैं और बहुत दिन से उसका जांच हो रहा है लेकिन कुछ निकलता नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब किसी एग्जाम में सारे बच्चे अगर परीक्षा देते हैं तो सभी टप नहीं निकल जाते हैं, सारे चयनित होकर पास नहीं होते हैं, उसमें फेल भी तो होते हैं। तो पुलिस तो कार्य करती है, सफलताएं ये निश्चित नहीं है, हमारा जो कार्य है वो बेहतर से करे, और बेहतर से करने के साथ ही उसकी सत्य सामने लाने की कोशिश करे, तो सत्य सामने लाने की कोशिश होती है, समय लगता है, ऐसा नहीं है किसी को कोई पेड़ पौधा लगाया जाता है तो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है या कुछ कहता है कि जल्दी बढ़ता भी नहीं है, तो वैसा नहीं है, केस के डिपेंड नेचर पर डिपेंड करता है, और नेचर के साथ पुलिस की कार्य वगैरह बढ़ गया है तो हर कार्य में समय देता है, उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। आप अध्यक्ष हैं और आप नेतृत्व करते हैं इंस्पेक्टर दरोगा को, अभी हाल के दिनों में मुंबई में बिहार पुलिस की जो बेइज्जती की गई मुंबई पुलिस के द्वारा, और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बता रहे हैं बिहार न्याय के साथ विकास की सरकार है और हमारा सभ्यता संस्कृति भी इससे प्रभावित है, क्योंकि पूरे विश्व को हमने गणतंत्र दिया, पूरे विश्व को हमने संस्कार जो दिया है, पूरे विश्व को हमने शून्य दिया, पूरे विश्व को हमने सत्य के साथ अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ये बिहार ऐसा चीज़ है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के कर्मभूमि रहा, बाबू कुंवर सिंह ने किया था,
उसके बाद 100 साल तक संघर्ष चला। आज़ादी के लड़ाई जब अंतिम चरण में थी और जब गांधी जी विदेश से आते हैं तो पूरे देश में उनको लगा कि कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कर्मठ उर्वरक मतलब कि धरती है जहाँ लोग हमको साथ साथ दे सकते हैं, राष्ट्रभक्ति है, तो उन्होंने चंपारण की धरती होकर यहाँ से प्रारंभ किया था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा संस्कार रहा है। और जब मुंबई में घटनाएं घटित होती है, वहाँ के 40 दिन तक वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती है, तो बिहार जो न्याय की धरती है, यहाँ FIR होता है। और FIR होने के बाद हमारा CRPC में अधिकार है, राइट हमारा है, उस राइट और अधिकार के साथ न्याय दिलाने के लिए बिहार पुलिस वहाँ जाती है। जब बिहार पुलिस जाती है तो वर्दी में जो व्यक्ति होता है वो पुलिस वाला होता है। बिहार का कोई नाम है कि FIR है, उसमें कानून निहित होता है। और देश की पुलिस, देश का कानून एक ही है। और देश के कोई भी लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार हो या खाकीधारी देश के कोने में हो, उनका एक ही काम है, जनता को न्याय दिलाना। और जनता के न्याय दिलाना के लिए उस सेवा में है, उस प्राथमिकता होती है। अगर वहाँ जाते हैं, अब गए वहाँ पर, जाने के बाद अगर वहां के अपमान किया गया तो बिहार पुलिस का नहीं किया गया, पूरे खाकी का अपमान किया गया, पूरे कानून का किया गया। वो स्वयं जो वर्दी मुंबई पुलिस पहनते हैं, वो स्वयं के पहने हुए वर्दी का अपमान किए हैं। और अपमान के चलते मैं बार बार कहता हूं कि आप पश्चाताप करें, आपने एक वर्दी के साथ, कानून के साथ गलत किया है, अब पश्चाताप करके एक बेहतर पुलिस बने। क्योंकि आप देश के वैसे महानगर के पुलिस हैं जहां पर कई तरह के आतंकवादी घटनाएं हो सकती है, कई बड़े बड़े हमले हो सकते हैं, अतीत में हुए भी हैं। तो आपकी लोग भरोसा करता है, देश के लोग विभिन्न क्षेत्रों से वहां घूमने जाते हैं, और आपकी ये छवि रहेगी तो निश्चित तौर पर मुंबई पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप पश्चाताप करके सॉरी बोले, माफी मांगे, और आज CBI जो जांच करी है उसमें सहयोग करें। हर बिंदु पर जो क्षमता होती है, जो आपका कर्तव्य है न्याय के लिए साथ देना, कार्य करना, वो करें। लास्ट का दो सवाल आपसे है। पहला सवाल आपसे ही जुड़ा हुआ है, आप हमसे बात करें थोड़ी देर पहले तो आपने एक चीज़ की चर्चा की थी कि पब्लिक को भी पुलिस को सकारात्मक सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पुलिसकर्मी भी एक आम आदमी ही है, ताकि वो अपने कार्यों में अच्छे रिजल्ट को पा सके। तो क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़े दोनों में बदलाव की जरूरत है। कुछ पुलिस विभाग में भी बदलाव की जरूरत है और पब्लिक में भी बदलाव की जरूरत है। और दोनों एक दूसरे के संबंध मधुर होंगे तो निश्चित तौर पर दोनों को लाभ होगा और एक बेहतर मतलब कि समाज और सरकार की जो नीति है चलेगी, अमन चैन शांति रहेगा और समाज और घर सब विकास करेगा। मैं पहले कहना चाहता हूँ पुलिस में कुछ खामियाँ हैं, मैं बड़ी बेबाकी से बोलता हूँ। अगर आपकी मोबाइल फ़ोन गुम हो जाती है, और मोबाइल फ़ोन गुम होने के बाद अगर आप थाने जाइएगा, और थाने जाने के बाद आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो पहले पुलिसकर्मी वहाँ पर मुंशी बैठा हुआ है, अगर क्योंकि थानेदार तो बहुत काम होता है, बाहर रहता है, वो आपको आगे पहनावा देखेगा, आप कैसे आए हैं, और उसके बाद वो देखने के बाद देखेगा कि ये आदमी साधारण व्यक्ति है तो बोलिएगा मोबाइल फ़ोन, बोला अभी बैठिए उधर, अभी दूसरे काम में कर रहे हैं। और वही अगर कोई बड़ी महंगी गाड़ी से प्रभावशाली व्यक्ति किसी के पैरवी से अगर जाता है तो आदमी बोलेगा आइए क्या काम है, कुर्सी पर बैठिए। इसमें बदलाव की जरूरत है। ये हमारा कानून में कहीं नहीं है कि महंगी गाड़ी से जाए कि पैदल जाए, गरीब है कि अमीर है, कानून सबके लिए है, कानून के एक नज़र से देखने की है। अगर ऐसा करेंगे तो जनता का विश्वास और बढ़ेगा। जिस आदमी को आप 4 घंटा बैठा देते हैं और अच्छे VIP आदमी को आप 10 मिनट में काम करते हैं, ये बदलाव की जरूरत है। क्योंकि आम आदमी ही आपकी एक बहुत बड़ी संख्या होती है जो आज हमारा समाज का हिस्सा है, वो जाके पब्लिक के बीच में बोलेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, वो बदलाव जरूरी है। साथ ही अब पब्लिक पाइए, आज के डेट में पब्लिक के देखिएगा, पब्लिक को लगता है कि पुलिस ये हमारा मतलब कि समाज का हिस्सा नहीं है। आखिर हम कहाँ के हैं? हम दूसरे ग्रह से स्पेशल पुलिस बन के तो नहीं पैदा लिए ना, हम उसी समाज के हिस्सा हैं जिस समाज के लिए कानून की रक्षा, जनता की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, उसी समाज के किसी के भाई, किसी के बेटा, किसी के पति हम हैं। और जब वर्दी उतार के जब जाते हैं घर में तो उसी समाज का हिस्सा बनते हैं। आश्चर्य और भी होता है, जिस समाज के एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो व्यक्ति पुलिसकर्मी है और पुलिस का विरोध प्रतिकार करता है और उसी का बेटा या स्वयं वह व्यक्ति पुलिस में आता है, सोचे उसकी नजरिया क्या हो जाती है। इस समय तुम पुलिस को बदनाम करते हो, पुलिस अच्छी नहीं है, और स्वयं बन गया तो तुम अच्छा काम कर देख के समाज में करो, साबित करो। और कहीं घटनाएं रोड पर घटित हो जाती है, कहीं घटित गाड़ी एक्सीडेंट कर देता है, इसमें पुलिस का तो रोल नहीं है। वहां गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, रोड जाम कर दो। आज के डेट में गाड़ी के साथ अगर घर में पारिवारिक विवाद हो गया, रोड में है तो विवाद करके 10 लोग घर पर रोड पर आ जाएगा। अगर कहीं पानी नहीं मिल रहा है, बिजली कट गया, उसके चलते लोग रोड जाम कर देता है। और पुलिस जब जाती है
और पुलिस के जाने के बाद पुलिस पर लोग पथराव कर देते हैं, पुलिस पर पथराव कर देते हैं, पुलिस का विरोध करते हैं। अब बताइए पुलिस का रोल क्या है? पुलिस का रोल कहीं नहीं है। अब विरोध पथराव क्यों कर रहे हैं? वो आपका काम है पुलिस का सहयोग करना। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, जो बड़ी घटनाएं घटित होती है, मान लीजिए कहीं लूट हो गया, कहीं मर्डर हो गया, होता है, पुलिस की सूचना मिली जाता है, पुलिस उस प्राथमिकता में जब जाता है, वहां पर लोग शटर गिरा गिरा के भाग जाएगा, दुकान छोड़ के भाग जाएगा, एक क्लू देने के नहीं तैयार है, उल्टे कहेगा कि पुलिस ने करवा दिया, पुलिस लेट आया। अरे आपका काम है लेट आया ना आया बाद में समीक्षा कीजिएगा, तत्काल उस अपराधी का क्लू दीजिए, सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ये जरूरी होता है। गवाह अगर पुलिस किसी को बनाता है बड़ा अपराधी है, जाके गवाह आगे नहीं दे, गवाही देने बाद कोर्ट में जाके सरेंडर कर जाएंगे, कोर्ट में उसके विरोध में गवाही नहीं देंगे। पुलिस का काम है साक्ष्य इकट्ठा करके अपराधी को गिरफ्तार करके जेल में भेजा, न्यायालय काम है सजा देना, तो साक्ष्य पर डिपेंड होता है। अगर साक्ष्य आप जाके मजबूती दीजिएगा तो वहां पर उसको सजा होगा अपराधी को। पब्लिक को इसके पक्ष में खड़े होने की जरूरत है, पब्लिक के साथ सामंजस्य आपका भी दोनों साइड से जरूरत है, दोनों साइड से जरूरी है। अब मैं और कहना चाहता हूँ कि पब्लिक के साथ आप सामंजस्य बैठाने के लिए उत्तरदायी दोनों है, ये दोनों का कर्तव्य बनता है, दोनों कर्तव्य धर्म के लिए बंधना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, तब बेहतर होगा। केवल पुलिस की साइड समाज के लोग करे, हम समाज पर थोप दे, वो बदलाव चाहिए। और एक बहुत बड़ी पुलिस में बदलाव की जरूरत है, थाने स्तर पर पुलिस कर्मी के होते हैं ग्रामीण इलाकों में, थाने के ग्रामीण इलाकों में भ्रमण करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी पुलिस का सिस्टम क्या है, हर किसी की इंसान की कमजोरी, और आप हो या हम हो, हर इंसान के गांव के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, जहां पर चाय पानी मिल सकता है, जहां बैठने के मिलेगा, वहीं पहुंच जाएंगे। नहीं, हमें वहां तो जाना ही है, लेकिन वहां भी जाना है कि जहां पर चटाई बैठने के मिले, नहीं भी मिले, उसके यहां भी एक गिलास पानी पीना है, क्योंकि एक प्रेम लगाव बढ़ेगा और आपके समर्थन में लोग रहेंगे। तो ये सब जरूरी है, बदलाव की जो करने की जरूरी है। बहुत अच्छी बातें आपने आज हमारे साथ की कि पुलिस कर्मी तभी अच्छे से काम कर पाएंगे जब जनता भी सहयोग करेगी, और दूसरे साइड में पुलिस कर्मियों को भी समझना चाहिए कि हर जनता उनके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि ये जो पुलिस का काम है वो बेहतर ढंग से चले और इसे और भी बेहतर पुलिसिंग हो सके। आज के कार्यक्रम में हम धन्यवाद देते हैं मृत्युंजय जी हमारे आए और आगे भी हमारे चैनल के साथ ये जुड़े रहेंगे। आप देख रहे थे भारत लाइव, इसे हमेशा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को दिखाएं और ये वीडियो जन जन तक और पुलिस हर पुलिसकर्मियों तक पहुँचाएँ। और हमें उम्मीद है मृत्युंजय जी के माध्यम से बिहार के हर पुलिसकर्मियों तक ये वीडियो, उनका संदेश पहुँचेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।